Assalamualaikum ji, welcome to my channel. This is my first video on YouTube. तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि ब्लॉग करें, फाइनली आज मैंने बनाया है. तो यहाँ से शुरू हो रही है जी इफ्तारी की रूटीन. मैं सो के उठी थी और मैं किचन में गई, मैंने देखा कि दूध बॉयल कर रही थी मामा, एंड उन्होंने बोला कि अब इफ्तारी बना लो क्योंकि टाइम कम रह गया था. तो मैंने ये थोड़ी सी मैक्रोनी बनी हुई थी इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, और साथ मैंने चॉपिंग स्टार्ट कर दी थी वेजिटेबल्स की जो इसके अंदर मैंने ऐड करनी थी. उसके बाद फ्राइडे था तो हम लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा, क्योंकि मामा फ्राइडे को हमें बोलती हैं कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल करते हैं, तो इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ा. और इसके बाद जी यहाँ पे कैरेट ली है मैंने और एक कैप्सिकम लिया है, इसको मैं चॉप करूँगी. और यहाँ पे मैंने इसे चॉप कर लिया था. फिर पकौड़ों के मिक्सचर के लिए मैंने वो वाली वेजिटेबल्स भी चॉप कर ली हैं, और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे चॉप की हैं. उसके बाद यहाँ पे जो है वो फ्रूट चाट की तैयारी हो गई थी, तो मैंने इनको छोटा छोटा कट करके इसके ऊपर ये इमली और आलू बुखारे वाली चटनी जो है वो पोर कर दी थी ताकि इसका थोड़ा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि वो सूखी सूखी जो होती है ना वो खाई नहीं जाती, ऐसे ज़रा जूसी सी बन जाती है और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है. चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप वो भी ऐड कर लीजिएगा. उसके बाद असर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो नमाज़ पढ़ी है असर की, और उसके बाद जी ये पकौड़ों का मिक्सचर मैंने रेडी किया हुआ है तो इसका मैं मिक्स कर रही थी, और एक हाथ में कैमरा था तो मुश्किल हो रही थी. फिर मैंने कैमरा रख दिया और फिर मैंने इसे मिक्स किया, और ये यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया था इसको. अच्छा, मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें नहीं तो नहीं करें. यहाँ पे मैक्रोनी का जो है वो तैयारी करी थी, गार्लिक डाल के मैंने इसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड कर दिया और उसका ग्रीन पार्ट भी ऐड कर दिया था, लेकिन पहले वाइट ऐड किया था. और इसके साथ मैंने इसमें चिकन ऐड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इससे ग्रीन अनियन का सारा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाएगा, जैसे ये बहुत जो है मज़े का फ्लेवर देगा. तो अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक चिकन अपना जो है वो कलर वाइट नहीं कर लेता और ज़रा सौते हो जाए अनियन भी जो हमने इसके अंदर ऐड की है. तो ये मैंने हिला दिया था इसे, और ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे इसने अपना कलर जो है वो टोटली चेंज कर लिया है. तो अब हम इसे ऐसे ही कुक होने देंगे. अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर थोड़े से, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट हम माइल्ड लाइक करते हैं तो मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़े ही स्पाइसेस रखे थे, क्योंकि इफ्तारी में अगर इतना मतलब ज़्यादा स्पाइसी खा लिया जाए तो फिर वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहता है कि जलन होना शुरू हो जाती है. इसके बाद मैंने इसमें कैरेट ऐड की और मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी उसके बाद, उसको थोड़ा सा सौते करके. और अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ऐड कर दिया था. फिर इसको थोड़ा कुक करके मैंने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड की है, और ये मैं ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर रही हूँ. उसके बाद जी यहाँ पे पानी बन चुका था और अभी ये इसके अंदर है, इसको जग में जो है वो हम डालेंगे. उसके बाद टाइम हो चुका था, फिर मैंने पकौड़े जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिया, ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं. एंड उसके बाद मैंने टेबल लगा दी थी, उसके ऊपर मैंने चीज़ें जी ऐसे रख दी थी. ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने एक एफर्ट की है कि मैं कुछ कंटेंट बना सकूं. और इसके अफ्तारी के बाद जो है चांद रात थी, तो मैं चांद देखने के लिए बाहर गई थी, मेरे भाई ने बताया चांद नज़र आ रहा है, बट जब मैं बाहर गई तो चांद था ही नहीं तो मुझे देख के बादलों में चुप गया था. और जी हमें चांद नज़र नहीं आया, फिर ना उम्मीद ही लेके हम वापस आ गए. और इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ.
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो आते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।